हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। बहुत टाइम बाद मैं यूट्यूब पे आई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं पोस्ट कर रही हूँ। किसी ने मुझसे रीज़न पूछा था कल की वीडियो में जो मैंने पोस्ट करी थी, बहुत से रीज़न हैं, ठीक है। मैं अपना जो मेरा वर्क है ये टैरो से रिलेटेड, ठीक है, ये मेरा ऑनलाइन बहुत चल रहा था, ठीक है। अब मैं ऑनलाइन पे फोकस्ड नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन पे फोकस्ड हूँ, मतलब मैं एग्जीबिशंस में अपना मैंने ट्राई करा है, ठीक है, स्टॉल्स लगाना। और ये मेरी जैसे दिल्ली में ही नहीं, मैं बाहर भी गई थी, मैंने पोस्ट भी करा था, मैं गोवा गई थी, उसके बाद मैं थाईलैंड गई हूँ, ठीक है, वहाँ पर मैंने अपनी स्टॉल लगाई है। तो मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ इन दिनों, तो इस वजह से मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं आती है, और मैं शॉर्ट वीडियोस दे देती हूँ ताकि आप तक कोई मैसेज पहुँच जाए, ठीक है। एक तो ये रीज़न था, और थोड़ा सा मतलब मेरे अपने काम से ही रिलेटेड मैं थोड़ा बिज़ी ज़्यादा हूँ, और थोड़ी सी ये चीज़ भी है कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को आई थिंक पसंद नहीं आती है क्या है, तो मेरी एनर्जीज़ रीडिंग करते वक्त ना बहुत ड्रेन होती है, हमारी एनर्जीज़ ना बहुत जाती हैं, बहुत ज़्यादा। फिर जब सामने से रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो लगता है कि इतना लॉन्ग वीडियो करने का फ़ायदा नहीं है, मे बी शायद लोगों को लॉन्ग वीडियोस ना पसंद हो। तो मैंने छोटी वीडियोस बनाना शुरू करी ताकि आप तक मैसेज भी पहुँच जाए और आप लोगों के लिए सही भी रहे, और इस वजह से मैंने शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करना शुरू करा है। मैं फेसबुक में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, और ये यूट्यूब में, तो मैं सब में सेम वीडियोस डालती हूँ। और मेरा फेसबुक में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, सेकंड मेरा इंस्टाग्राम है, क्योंकि यहाँ मेरे को रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं जितनी मेहनत जैसे भी करती हूँ और मुझे अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। यूट्यूब में मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं इतनी एनर्जीज़ नहीं ड्रेन कर सकती हूँ, क्योंकि अगर सामने वाला अप्रिशिएट करे तो मन करता है कि हाँ ठीक है, एफ़र्ट्स लगाए जाएँ। जब एफ़र्ट्स लगाकर आप लोगों की साइड से रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। मे बी शायद लॉन्ग वीडियोस में समय भी नहीं है आजकल लोगों के पास कि इतनी लॉन्ग वीडियोस देखें लोग, तो इस वजह से भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरा बस मेन मोटिव ये है कि आप तक मैसेज पहुँचे, अब वो शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए हो या लॉन्ग वीडियोज़ के ज़रिए हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आप तक बस गाइडेंस और मैसेज पहुंचना चाहिए, यही मेरा एक एम है, तो वो चीज़ मैं करती हूँ, ठीक है। तो मैंने रीज़न आप लोगों को बता दिया, और वीडियोस कोशिश तो रहती है मेरी कि मैं डेली पोस्ट करूँ, चाहे छोटी वीडियोस हो या कुछ हो, मगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं ऑफलाइन अपने काम को बढ़ा रही हूँ इन दिनों, तो उस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा काम है, और मैं इस पे बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं हटाना चाहती हूँ, इस वजह से ये सब चीज़ें हैं। और सेकंड चीज़, व्हाट्सअप आप लोग करते हैं तो आप लोग मुझे समझते हैं कि मैं बात कर रही हूँ, मैं नहीं होती हूँ, मेरा एक बंदा है, ठीक है, मैं वही इस सब चीज़ों को हैंडल करता है, मेरे तीनों अकाउंट्स, ठीक है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वही आपको मैसेज में रिप्लाई करेंगे। बुकिंग्स मेरी कभी भी बंद नहीं होती हैं, हमेशा ओपन रहती हैं, डेट्स आपको पहले से नहीं बताई जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने डेट पूछी और आपको मैंने ये बता दिया कि ठीक है मैं इस टाइम पे फ्री हूँ या मैं इस टाइम पे कर सकती हूँ रीडिंग, तो अगर आपको कोई मैसेज आ गया टीम की साइड से कि हाँ ठीक है आप इस डेट को, ये डेट फ्री है, आप उस डेट के चक्कर में बैठे रहोगे, आप आराम से पे करोगे, मगर इन बिटवीन अगर किसी और का अगर आ गया और उसको ज़रूरत है तो वो डेट वहाँ चली जाएगी, तो इसलिए हम डेट पहले से नहीं बता सकते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए हम देर नहीं करते हैं और आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जो जानना चाहते हैं मैं वो चेक करूँगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। अब मैं लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो कब लेके आ पाऊँगी, जैसे मैंने अपना बताया कि मैं थोड़ा अपने काम पे फोकस दूँ, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में विचार आपको लेकर इस
रिश्ते को लेकर क्या है, ठीक है, हम ये चेक करेंगे। तो हमेशा की तरह जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, सबसे पहले आपने अपने भगवान का ध्यान करना है, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी धर्म से हैं आप, अपने भगवान को याद करिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, अच्छी मेमोरीज़ याद करें, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन्हें आने दें, ज़बरदस्ती भेजें ना, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट वैसे नहीं कर पाएंगे, आप नहीं सोच पाओगे। तो आने देना थोड़ी देर के लिए, वीडियो को पॉज कर लेना, जब वो चले जाएं थॉट्स नेगेटिव, आप अपने पार्टनर का ध्यान करना, नाम लेना, उनकी शक्ल को याद करना, ठीक है, उनका फेस याद करना, ओके। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए टाइम लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है, सबके लिए होती है। आप किसी भी सिचुएशनशिप में, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा अफेयर्स या जो भी आपका रिलेशन है किसी भी तरीके का, मैं किसी एक स्पेसिफिक रिलेशन के ऊपर नहीं बना रही हूँ, ये एनर्जी सबके लिए होती है, बस आपको अपने से रिलेट करनी है, ठीक है। जो चीज़ मैच होगी वही रखना, ज़बरदस्ती किसी और चीज़ को मैच मत करना, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, किसी चीज़ की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है। और देख लेते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा ना किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है, और देखो बॉटम में यहाँ पर लवर्स दिख रहे हैं, अच्छी बात है, आना होगा तो आ जाएगा लवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, मून, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, और क्या है इनकी एनर्जीज में, प्लीज मुझे गाइड करें, ठीक है। द फूल, टू ऑफ कप्स, जजमेंट, और ये आया है, मैं ले लेती हूँ इसे, थ्री ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की मैं फीलिंग्स बता दे रही हूँ, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं बहुत जल्दी अपना ट्राइपॉड चेंज करूँगी, इसमें ना प्रॉपर कार्ड्स नहीं दिखते हैं। एनीवेज, यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इनको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है, यहाँ पर चांसेस हैं आप लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं, ब्लैक मैजिक दिख रहा है, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, और कहीं पर ये डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, वो चीज़ है, या ये खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पार्टनर हो, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, थीके? जो यहाँ दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर इनकी थर्ड पार्टी में इनका काम भी हो सकता है, इनका प्रोफेशन, इनकी अचीवमेंट, इनके गोल्स, इनका ड्रीम, कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर इनकी करेंट एनर्जीज में ये है, ये इन्हें जो क्लैरिटी मिली है किसी चीज़ की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिली है, मे बी जो मैंने थर्ड पार्टीज़ बताई हैं उनके रिगार्डिंग हो सकता है। अगर इन केस आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो उसके रिगार्डिंग इन्हें क्लैरिटी मिली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने धोखा खाया है, ठीक है, धोखा खाते हुए मुझे दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी से बहुत स्ट्रॉन्ग इन्हें धोखा मिला है,
किसी तरीके की इनकी इंसल्ट हुई है या ये किसी तरीके से किसी चीज़ में फंसे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के वजह से, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ डेविल है, तो कहीं ना कहीं फाइव ऑफ सोर्ड्स और डेविल किसी चीज़ में फंसे हुए। फाइव ऑफ सोर्ड्स यानी कि कुछ धोखा, ठीक है, अब वो इमोशनली हो सकता है या फिर इस, पहली बात तो ये जो किसी भी थर्ड सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी में है, कोई रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो, ये उससे इमोशनली अटैच्ड नहीं है। हाँ ये है कि अगर किसी के साथ कुछ टाइम तक हम वक्त बिता लें तो उससे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उससे बात करना अच्छा लगता है। वहीं पर ही इन्हें कहीं ना कहीं धोखा मिल गया कि उस थर्ड पार्टी की कोई रियलिटी पता चली है, या ये पता चला है कि वो इमोशनली इनके साथ अटैच नहीं थी, इनके पैसों के वजह से थी, इनकी किसी और चीज़ के वजह से थी। कुछ भी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये उसकी हकीकत किसी भी तरीके की जान चुके हैं, और ये 7-7 पोर्टल के बाद हुआ है, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर आया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत जगह इन्वेस्ट करा, मतलब ये जो थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी है यहाँ पर इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया। हाँ इनकी जो नीड्स हैं, अब चाहे वो इमोशनली तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये इमोशनली अटैच्ड नहीं है उससे, तो इमोशनली नहीं बोलूँगी, फिज़िकल जो चीज़ें हैं वो इनकी नीड पूरी हुई, इन्होंने एफर्ट्स डाले। क्यों डाले? क्योंकि इन्हें उन चीज़ों की नीड थी तो वो चीज़ उनसे मिल रही थी। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे साथ नहीं, ये तो बहुतों के साथ है, या इसका करेक्टर ही ऐसा है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा पता चला है। तो इन्हें ना इस चीज़ का ये धक्का लगा है कि ये जितने एफ़र्ट्स मैंने इस थर्ड पार्टी के लिए डाले, अगर यही सारे एफ़र्ट्स अगर मैं आपके साथ रिलेशनशिप में डाल देता तो आज हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं होती, सेपरेशन नहीं आता, क्योंकि मून कार्ड सेपरेशन को भी इंडिकेट करता है, टावर को इंडिकेट करता है, ठीक है, दूरियाँ, अलग होना, इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो इन्होंने आप ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे मून में डॉग भी है और यहाँ पर फूल कार्ड में भी डॉग है, यानी कि ये अपनी जैसे कहते हैं ना, अपनी आरामदायक स्थिति में या अपनी उसमें कि मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ और केयरलेस होकर चलो बढ़ जाते हैं, अरे लाइफ को एंजॉय करते हैं, भाड़ में जाए रिलेशनशिप, इतना कमिटेड क्यों होना किसी के साथ, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इनका ये जो एक्सप्लोर करना है ना, इन्हीं को भारी पड़ गया। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि ये एफ़र्ट्स वहाँ ना डाल के मुझे यहाँ डालने चाहिए थे, यानी कि आपके साथ डालने चाहिए थे। टू ऑफ कप्स, आपकी तरफ अगर ये एफ़र्ट्स डालते तो आज रिलेशनशिप इतना ख़राब नहीं होता। आप इनके साथ इमोशनली अटैच थे, आपने कुछ लोगों के केसेस में मैं कह सकती हूँ कि फाइनेंशली हेल्प भी की हो अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर को आपने वो सब चीज़ें देने की कोशिश करी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप होता है ना, वैसा आपने रिलेशनशिप निभाया। ये आपके पार्टनर अब इस वक्त जान रहे हैं। आपने कभी भी अपने पार्टनर से वैसी नीड्स नहीं करी जो एक डिमांडिंग होती है ना चीज़ें, वो चीज़ें आपके साथ नहीं थी। आपने अगर डिमांड करा तो वक्त और प्यार, सपोर्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब कमिटमेंट ये भी हो सकता है कि आप शादी का कमिटमेंट करते हैं, मतलब सोचते होंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अलग किसी से कमिटेड हैं, तो आपने लाइफ टाइम एक सपोर्ट मांगने के लिए उनसे डिमांड करी, वो भी आपको नहीं मिला, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है, शायद आप इन्हें एक्सेप्ट भी ना करो अब के टाइम पे, ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे की चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड है कि ये आपको चाहकर भी भूल नहीं पाते हो, और आप तो भूल ही नहीं पाते हो और अभी तक भूल नहीं पा रहे हो। हाँ वो उस तरीके से डेस्पिरेशन नहीं रही है आपके अंदर अपने पार्टनर को, एक क्रेविंग वाली एनर्जी नहीं है अब। हाँ आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वर्थ को समझ रहे हैं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेविल के नीचे टू ऑफ कप्स है कि एक मैं लस्ट के पीछे भागा, मैं अट्रैक्ट हुआ किसी और की तरफ,
ये मैं कैसे हो गया, जब मैंने प्यार किसी एक से किया तो मैंने दूसरे के बारे में सोचा क्यों, कैसे मैं अपने आप को मैंने बहका दिया, मैं बहक कैसे गया। तो इन्हें ना अपने पे थोड़ी सी गुस्सा भी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो थोड़ा सा गैप आना शुरू हुआ ना, तो आपके पार्टनर के अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी बहुत है। ये अगर इनके मुताबिक, इनके अनुसार कोई चीज़ नहीं चलती है, नहीं होती है ना, तो ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप इनके आगे किसी चीज़ की बात बोल देते हैं या कोई क्लैरिटी मांग लेते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने ये क्यों बोला, क्यों मांगा, क्यों ट्रस्ट इश्यूज़ तुम्हारे अंदर हो रहे हैं मेरे को लेकर। तो ये जो एक ईगो, फ्रस्ट्रेशन, एटीट्यूड, ये जो आपके पार्टनर के अंदर है ना, इसने ही आपके पार्टनर को गलत रास्ते पे लेके गया, जहाँ ये दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन में कहीं गए नहीं हैं, इनके फिजिकल रिलेशंस भी बने हैं। मैं 1001% इस चीज़ की श्योरिटी दे रही हूँ, ये किसी तरफ गिरे ज़रूर हैं, ठीक है, मगर अब कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना गिर के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बेवकूफ़ी इन्होंने करी है, इन्हें शायद इनके अंदर आत्मा या ये जिससे डिस्कस करते होंगे अपनी सारी सीक्रेट्स, उस इंसान ने या फिर जो अपनी अंदर की इंट्यूशन होती है, वो इन्हें बहुत बार कह चुकी थी कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस रास्ते पे चले गए तुम सब कुछ खो दोगे अपनी लाइफ में। इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करा, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करा, क्योंकि ये भी इंट्यूशन का कार्ड एक तरीके से माना जाता है और द मून भी इंट्यूशन का कार्ड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करा, बस डेविल, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डेविल होता है, इन्होंने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, उसकी आवाज़ को बार बार सुना, उस पर फोकस करा, जिस वजह से ये फूल की एनर्जी में चले गए और केयरलेस हो गए। इन्होंने रिस्क उठाया अपनी लाइफ में, अदर रिलेशनशिप में गए, और नो डाउट कि ये मल्टीपल रिलेशंस भी हो सकते हैं, यानी कि हम एक थर्ड पार्टी, एक इंसान की बात कर रहे हैं। ये बहुतों से मिले हैं, बहुतों से अट्रैक्ट होते हैं, बहुतों से बात करते हैं, डीप डाउन तक चले जाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक इंसान कपड़े बदलता है ना, ये वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी आपको पता होगा या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं बोल रही हूँ कि वो वाकई में मैच हुई है या नहीं हुई है। किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर हमें मेंशन हो चुका है, क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये किसी तरीके का कर्मा फेस करा है। ऑब्वियसली इन्हें चीटिंग मिली है किसी तरीके की, नो डाउट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्हें किसी चीज़ का लॉस हुआ है। अब लॉस बहुत सी चीज़ों का हो सकता है, यहाँ पर मनी लॉस हो सकता है, हेल्थ लॉस हो सकते हैं, इमोशन लॉस हो सकते हैं, रिलेशंस में लॉस हो सकता है, बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। इन्हें बहुत बार अवेकनिंग कॉल मिली है आपके रिगार्डिंग, मगर इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करा। अब मून के नीचे यहाँ पर जजमेंट आया है, तो अब ये दुख मना रहे हैं आपका कि इन्होंने आपके साथ जो एफर्ट्स नहीं डाले ना रिलेशनशिप में, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, आपको चेज नहीं करा, आपको मनाया नहीं, आपकी कोई अगर बात थी तो उसको इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया आपको कि ठीक है तुम जो समझ रही हो मेरे बारे में समझती रहो, मैं चुप हो जाता हूँ। तो चुप होने से तो कभी किसी चीज़ का हल हुआ नहीं है। अगर आपके अंदर एग्रेशन है, अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, तो उसको डिस्कस करो, तभी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। एटलीस्ट आप चुप तो मत हो, अगर चुप हो गए तो रिलेशनशिप तो तभी मर जाना है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो अब इनकी करेंट फीलिंग्स में ये है, इन्हें गिल्ट हो रहा है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, डेविल की एनर्जी से, यानी कि इनके अंदर जो एक लस्ट, फ्लर्ट और ये एटीट्यूड, ईगो, फ्रस्ट्रेशन और थर्ड पार्टीज एंड ऑल, पता नहीं कितनी कितनी पार्टियों में ये इन्वॉल्व हो रखे हैं, उनसे बाहर होना चाहते हैं, यूनियन की तरफ आना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी अवेकनिंग हो रही है किसी तरीके से, क्योंकि ये अब थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिता रहे हैं, ये अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, खाली समय होता है तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं, एक्शन के मोड में नहीं आ रहे हैं। हम ये चेक कर लेंगे कि एक्शन के मोड में क्यों नहीं आ रहे हैं। सॉरी, मुझे इन्हें क्लैरिफाई भी करना था, एक बार मैं क्लैरिफाई भी करूँगी कि एग्जैक्ट और मैसेज मुझे थोड़े से पता चल जाए कि क्या है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है इनकी करंट एनर्जीज़ में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? इम्पल्सिव तो बहुत हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं मगर इन्हें नहीं पता कि मैं कैसे बात करूं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है डे एंड नाइट, स्पेशली नाइट टाइम। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये अकेले में होते हैं तो आपके बारे में सोचने लगते हैं, पूरे दिन अपने आप को बिज़ी रखेंगे, काम में बिज़ी रखेंगे, इनका कोई गोल हो सकता है, इनका कोई एक एम हो सकता है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये अचीव करना है, मगर पूरे दिन तो इंसान खाली वो बिज़ी नहीं रहता ना, किसी पूरे दिन में एक वक्त तो खाली बैठता होगा, तब ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और रात बहुत ज़्यादा होती है, इनको ना नींद कम आती होगी, आती होगी तो टूटती होगी, और जब टूटती है तब ये आपके बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ रही है, ठीक है, और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, आपको स्टॉप करते हैं, इस चीज़ का गिल्ट है, जैसे मैंने कहा ना फाइव ऑफ सोर्ड्स से इन्हें कहीं ना कहीं धोखा मिला है किसी तरीके का, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलना चाह रही हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड से ये पता चल रहा है कि इन्हें अपनी बेवकूफ़ी, अपनी इमेच्योरिटी पर गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना मैच्योर होकर, मैं कोई 16 साल का तो हूँ नहीं अभी कि मैंने गलतियाँ कर दी, चलो लड़कपन में ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, मैं दीन दुनिया जानता हूँ, सब कुछ है, ठीक है, मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर गया कि मैं आपको छोड़ के कहीं और अट्रैक्ट हो गया, या मैं अपने में ही मग्न हो चुका हूँ, ऐसा मैंने कैसे कर दिया? तो आज इनकी इमैच्योरिटी ने ही इन्हें धोखा दे दिया, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और बॉटम में है यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट्स, मैंने अभी बार बार बोला था एफर्ट्स पे ये बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं, एफर्ट्स इन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट करे, अब ये चाह रहे हैं कि मैं अपने एफर्ट्स सही जगह इन्वेस्ट करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, आपने ध्यान रखना है आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है, उस तरीके से लेना, ठीक है, क्योंकि अगर करता था करती थी इसमें चली गई ना तो मेरा सिनेरियो कट हो जाएगा। देखो मैं इतनी बात बोलती हूँ कार्ड नहीं निकलता, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? टेन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपको कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या आपके साथ रहने का कमिटमेंट कि ठीक है मैं लाइफ टाइम तक तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मैं कहीं और कमिटेड हूँ या कुछ हूँ, मैं तुम्हें अब धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें मैं वैसा ही फील कराऊंगा जैसा तुम फील करना चाहती थी, कि एक फैमिली की तरह फील तुम्हें ट्रीट करूंगा, कि तुम मेरी फैमिली का एक पार्ट हो, मैं एफर्ट्स डालने को तैयार हूँ। क्योंकि देखो सेवन ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, इसमें इंसान इतनी मेहनत करता है और जो मेहनत करता है ना उसको निहारता है कि ये एक दिन मेरी रंग जरूर लाएगी मेहनत, तो कहीं ना कहीं ये उस एफर्ट्स को अब धीरे धीरे तराशना शुरू कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है, कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं आपको, ठीक है, आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बस मैं कम्युनिकेट कर जाऊं, मैं बात कर लूं, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और सोर्ड्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे, कुछ भी, शायद ये अपनी कोई गलती आपसे शेयर करना चाहते हों जो इन्होंने करी, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता चली, इन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। द डेविल क्यों आया है इनकी करंट एनर्जीज़ में? देखो ये ऑन एंड ऑफ बहुत करा है इन्होंने आपकी लाइफ में, आना जाना चलता रहा है, इमैच्योरिटी अगेन यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, इमैच्योर रहे हैं, अपने बारे में बहुत सोचा है, अपने एडवेंचर के बारे में सोचा है। डेविल और वॉन्ड्स जब साथ में आता है तो लस्ट इंडिकेट होता है, यानी कि आपके पार्टनर को ना फिज़िकल नीड्स बहुत रहती हैं, एक लस्ट उनके अंदर बहुत क्रेव करता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक डर्टी माइंड। अगर आप वो पल याद करो जब वो आपसे नॉर्मल भी थे, आप दोनों रिलेशन में थे, वो कुछ मजाक में आपको कुछ इनडायरेक्ट वे में कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें बोल ज़रूर जाते होंगे, तो आप ज़रूर ये कहते होंगे कि तुम्हारा दिमाग वहीं चलता है या कुछ, आप हंसी में टाल देते होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में फिजिकल्स चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ जज्बात तो आते हैं, मगर आपके पार्टनर के जज्बात कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे हैं, तो ये जज्बात नहीं है, ये लस्ट है, ठीक है। देखो बॉटम में डेविल, डेविल डेविल, ये जो एडिक्शन है ना आपके पार्टनर के अंदर लस्ट का,
बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। और नेगेटिव एनर्जीज़ भी बोली थी मैंने स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी का, तो उस नेगेटिव एनर्जी से भी रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लो आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या थी, ये वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। 90% मैं बोल रही हूँ वो निकल चुके हैं, 10% मैं यूनिवर्स पे छोड़ रही हूँ, मैं 100% तो कभी नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, ये हमारा राइट नहीं है। अब 10% इसलिए रह गया है तभी तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। द मून क्यों आया है, मैं रेडी नहीं थी, द मून को क्लैरिफाई करेंगे करंट एनर्जीज़ में। देखो मैंने कहा ना इन्हें बैक स्टेप हुआ है, किसी के थ्रू इन्हें मिला है, ठीक है, इनको अब कर्मा जस्टिस भी एक कर्मा का कार्ड होता है, इन्हें ना अब लग रहा है कि मैंने ना जिसके साथ जस्टिस नहीं करा ना उसी की बद्दुआ लगी है मुझे, यानी कि आप। देखो जो प्यार करने वाला होता है ना वो कभी भी बद्दुआ नहीं देता है, मगर जब उस जब वो इंसान दिल से रोता है ना और ऊपर वाले को याद करके रोता है या उसके सामने रोता है, तो फिर वो जो कर्मा होता है ना वो फिर ऊपर वाला देता है लाठी, फिर वो ही मारता है, आप कुछ नहीं करोगे। तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, ये चीज़ दिख रही है। देखो ये जब डेक निकाला था तब भी लवर्स बॉटम में आया था, अब भी लवर्स बॉटम में आया है, आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं टच हो, ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपको अब समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है, ये आप में स्टक हैं और जो एक इनका अब एब्यूजिंग तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये किसी एब्यूजिंग रिलेशनशिप में नहीं थे, ये तो इन्जॉय कर रहे थे वहाँ पर, मगर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूँ इन सब गंदगी में, जो मैंने ये गंदगी फैलाई है, जो मैं किसी ऐसे रिलेशन में रहा, मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में रहा, और मैं अब जैसे कहते हैं ना एक लड़की अपनी अपनी बॉडी को कैसे किसी को सौंप सकती है, तो ऐसे ना इनको फील हो रहा है कि मैं अपने आप को कैसे किसी को सौंप सकता था जो मैंने सौंप दिया, और मेरी इमोशंस, मेरे प्यार, मेरे जिस पे जिसका हक था वो आप थे, तो मैंने ये किसी और को क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, तो ये गिल्टी की एनर्जी दिख रही है, वहाँ से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं उस सिचुएशन से। अगेन मून यहाँ पर सैड है, बहुत दुखी हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। सेवन ऑफ कप्स आपकी तरफ रिटर्न करेंगे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ही याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, नो डाउट। द फूल क्यों आया है उनकी करेंट एनर्जीज़ में, द फूल क्यों आया है, फूल को क्लैरिफाई करें, आपकी चेजिंग को मिस कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैंने जिसे चेज़ करा मैं बहुत गलत जगह चेज़ कर रहा था, जो मुझे चेज़ कर रहा था यानी कि आप, इन्होंने आपको उस वक्त पीठ दिखा दी, ठीक है, आपकी तरफ फोकस नहीं करा, आपको इमोशंस कोल्ड करके दिखाए, फ्रीज कर लिए। अब कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मैं उस वक्त उस चेजिंग को समझ जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं और ऐसा भी देख रहे हैं कि आप इनकी बकवास या इनकी जो होता है ना कि अरे नहीं मैं तो तुमसे ही प्यार करता था, मैं भटक गया, मुझे माफ़ कर दो, ये वो, तो आप जल्दी से उन बातों में आने वाले नहीं हो क्योंकि अब आप ना डॉग की एनर्जी से, जितनी ऑनेस्टी लॉयल्टी आपने देनी थी ना आप दे चुके हो, अब आप कैट की एनर्जी में आ रहे हो, आप बहुत दिमाग से सोचोगे आखिर ये लौट के आया है तो इसकी इंटेंशन क्या है, ये क्यों लौट के आ रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, ऐसी ही एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। टावर सेपरेशन, ठीक है, जो इन्होंने सेपरेशन लेके आए डेविल के वजह से लेके आए, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका खुद का नेचर हो सकता है, इनकी खुद की सोच हो सकती है, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं क्योंकि टू ऑफ कप्स यूनियन का कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो पीछे मून है, ठीक है, तो इनको ना इनकी इंट्यूशन, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्होंने मन बना लिया है कि मैं अब आपकी तरफ बढ़ूँगा, आपसे डिस्कस करूँगा, आपसे इवन माफ़ी भी मांगूँगा, कुछ लोगों के केसेस में माफ़ी भी दिख रही है, कुछ लोगों के केसेस में। क्यों बोला, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत डोमिनेटिंग और बहुत एटीट्यूड ईगो वाले बंदे हैं, जैसे कहते हैं नाक पे मक्खी भी ना बैठने देना, इनका ना जो एक घमंड है ना सातवें आसमान पे रहता है,
झुकना पसंद नहीं करते। जजमेंट क्यों आया है, दो कार्ड्स हैं, नहीं होंगी। जजमेंट क्यों आया है प्लीज़ क्लैरिफाई करें जजमेंट को। देखो मून, ये देखो मून, जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए मून। सेपरेशन से खुश नहीं है, बहुत ना गिल्टी फील हो रही है, जैसे कहते हैं ना अपना ही माथा पीटना, अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वो वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था ना मून में यहाँ पर डॉग है, इनकी इंट्यूशन या इनका कोई अपना करीबी दोस्त या इनको आपका प्यार बार बार समझाता रहा कि ये जिस लाइन पे जा रहे हैं, जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, जहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इनके लिए सेफ नहीं है, मत जाओ मत करो ऐसा या कुछ है, मगर इन्होंने आपकी एक नहीं सुनी और आप दोनों के बीच में सैलाब आ गया, आप दूर हो गए, टावर आ गया, अब ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिल्ट बनाते फिर रहे हैं, या बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था मुझे, मैं अब इन चीज़ों को कैसे ठीक करूं, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, तो इन्हें लग रहा है मैं इन चीज़ों को ठीक करूं तो कैसे करूं। थ्री ऑफ कप्स, मैनिफेस्टेशन अगेन, ये वापस आएंगे, कन्फर्म वापस आएंगे, ठीक है, इस मंथ के एंड तक में इनका आना तय है कि ये आपकी लाइफ में रिटर्न करेंगे ही करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ ये चीज़ दिख रही है, ट्रैवलिंग का तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं है अभी ट्रैवलिंग का, मगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। अब मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ कि इतना सब कुछ ये फील कर रहे हैं तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन के बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, अपने रिलेशन में वही फायर, वही पैशन, वही इमोशंस वापस से लाना चाह रहे हैं, इनकी इच्छा ये है, इनके एक्शंस में ये दिख रहा है। द एम्परर, मैंने कहा ना ये अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देते हैं, ये हुकूमत इन्हें चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो एम्परर होता है ना वो जल्दी से एक्शन और जल्दी से मैसेज नहीं करता है, मगर मैं यहाँ देख लेती हूँ इसके बाद का जो कार्ड आएगा। ओ माय गॉड, दो दो एम्परर, द एम्परर, आप खुद देखो दो दो एम्परर हैं, ये भी एम्परर है, ये भी एम्परर है, दो एम्परर आए हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ऐसा क्यों है, जब आना चाहते हैं मगर एम्परर की एनर्जी से थोड़ा सा एक्शन डगमगा रहा है, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेथ है मगर फ्लावरिंग पूरी हो रखी है, बटरफ्लाई भी है, मैसेज आएगा, थैंक गॉड एम्परर के बाद कुछ अच्छा कार्ड देखने को मिला है, ठीक है। कुछ अपनी बुरी आदतें, कुछ रिलेशंस, कुछ सिचुएशंस का एंड करके ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर देर लगती है, अगर कुछ लोगों के केसेस में अगर इस मंथ में उनका मैसेज नहीं आता है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी तरफ आएंगे, ये उस केज से बाहर निकलेंगे, एट ऑफ सोर्ड्स, बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर ये पिंजरे में बंद है, आप ये देखो ये पिंजरा है ये बंद होता है मगर यहाँ ये ओपन है, ये निकलेंगे बाहर, ये आपको मैसेज करेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये अभी सैड एनर्जी में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, अब वो स्टक चाहे वो इनका एटीट्यूड हो, इनका ईगो इन्हें रोक रहा हो, मगर एट द एंड ये केज ओपन हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लूँ इन्हें, इनके एक्शन में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, इनके एक्शन में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, देखो ये एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स डालेंगे ये, ठीक है। द एम्परर टू टाइम्स आया है, द एम्परर टू टाइम्स आया है, तो इसकी एम्परर टू टाइम्स आया है तो प्लीज़ इसे क्लैरिफाई करें, एम्परर क्यों आया है। एम्परर इस वजह से भी हो सकता है कि इसलिए आया है क्योंकि मैंने कहा ना कि इन्होंने लोगों को ना पट्टा बांध के घुमाया है, मेरे हिसाब से चलोगे, मैं जहाँ पट्टा खींचूँगा वहीं पर तुम खींचोगे, मैं जैसा बोलूँगा वहीं होगा, तो इन्होंने ना रिलेशनशिप खुद ख़राब करा है, आपने नहीं करा। अगर 80% मैं कहूँगी अगर इन्होंने ख़राब करा है तो 20% आपने ख़राब करा है। अब आपका मैं
मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, देखो तालियाँ दोनों हाथ से बजती हैं, कुछ आपकी साइड से भी रहा होगा, आपके पार्टनर की साइड से रहा होगा, मगर इसमें एक्सट्रीम किसकी साइड से था, वो आपके पार्टनर की साइड से था। आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए पोक करा है, आपको एग्रेशन दिलाया है, जिस वजह से आप इस एनर्जी में पहुँचे थे। मगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश कोई भी लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में जो भी हुई होगी, काश अगर मैं उस टाइम पर ये चीज़ नहीं बोलता और आपको वो गुस्सा नहीं आता या आपको वो दिल पे नहीं लगती, तो ये चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं जितनी बिगड़ चुकी हैं। ठीक है, एम्परर, दूसरे एम्परर के नीचे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, मे बी ये आपको ड्रीम में भी दिखते होंगे आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज़ें, जैसे उनका नाम हो गया और उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग हो गया या उनसे रिलेटेड कोई बात हो गई, कुछ भी, जैसे होता है ना कि आई लव यू लिखने का कोई तरीका होता होगा, जैसे कई लोग आई लव यू किसी भी तरीके से बोलते होंगे, मैं नहीं समझा सकती, मैं नहीं समझा पाऊँगी, आप समझ जाइए, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आई लव यू बोलने का तरीका उनका जो होता होगा वो आपको कहीं दिखता होगा या सुनने में आता होगा या आप किसी के मुँह से सुनते होगे किसी को कहते हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ एनर्जी फील होती है। ठीक है, वेट, मेरा कार्ड गिरा, अगेन यहाँ पर फूल की एनर्जी है, आपके पार्टनर डेथ के को क्लैरिफाई करने के लिए आया है, मैंने कहा ना न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ कॉर्नर में देखो सन है, तो कहीं ना कहीं, और जो डेथ कार्ड है, डेथ को भी अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे आप कार्ड को, तो एक तरफ आपको अंधेरा और दूसरी तरफ आपको सूरज उगता हुआ दिखेगा, तो यानी कि आपके एक्शन में, आपके पार्टनर के एक्शन में एक स्पार्क, एक सन शाइन आती हुई दिख रही है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और इस बार ये सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा, आप रूठते हैं तो मैं मना लूँगा, अगर आप छोड़ के जाओगे तो मैं वापस बुला लूँगा, कुछ भी हो आपका गुस्सा सब कुछ ये देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये अब आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी वर्थ को समझ चुके हैं ये, इन्होंने मूव ऑन होकर बहुत बड़ी गलती कर दी, आज इन्हें अब एहसास हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने साइंस नहीं बताए क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइंस इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो आप। आपके पार्टनर की साइड से मैसेजेस देख लेती हूँ क्या है, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे मैसेज सेंड करें। आई रिवाइंड माई मेमोरीज विद यू एवरी डे, याद करते हैं ना आपको, तो मेमोरीज तो याद आएंगी आएंगी, और उनसे रिलेटेड जैसे आपको चीज़ें दिखती हैं तो आप वहीं फ़ौरन समझ जाओ कि मेरे पार्टनर ने मुझे इस वक्त याद करा है, तभी मुझे ये चीज़ दिखी है। ठीक है, चाहे उनका नाम हो, उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग हो, उनसे रिलेटेड कोई बात हो, उनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस हो जो आपके पास बार बार आता होगा, जैसे होता है ना, जैसे मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये इन्होंने अगर आपको बोला है तो ये आपको कहीं लिखा हुआ दिख गया या किसी के मुंह से आपने सुन लिया। जब भी आपको ऐसी चीज़ें हो ना, तब उस टाइम पे आपको फौरन ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को, और उसी टाइम आपने अपने पार्टनर को लव सेंड करना है। ठीक है, आई विल हील ऑल योर पेन्स, इन्होंने आपको जितने भी दर्द दिए हैं ये उन्हें हील करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आई फील गिल्टी, मैंने कहा ना इन्हें गिल्ट हो रही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, तुम्हें कैसे ट्रीट किया, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू। ठीक है, इन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली हो एडजस्ट करने की कि मैं आपके बगैर एडजस्ट कर लूँगा, मैं आपको नहीं याद करूँगा, तो ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी, मैं कैसे यकीन दिलाऊँ कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखती हो, ठीक है, या रखते हो। I feel so helpless. I want to be with you, but I can't. किसी चीज़ में स्टक हैं मगर निकलेंगे, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, होपलेस, सब कुछ फील करते हैं आपके बिना, ये बोलना चाह रहे हैं। यू डोंट रियलाइज वैन यू हर्ट मी, आई थिंक आपने इन्हें शायद जैसे गुस्से में इंसान बोल ही देता है जब लड़ाई हो रही है, भाई युद्ध हो रहा है तो बीच में तो आप तो भाई तथास्तु करते हुए बैठोगे नहीं ना, आप भी कुछ बोलोगे, तो कोई एक चीज़ है जो इन्हें चुभ गई हैं आपकी, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आप खुद देख लो,
आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। ये कहीं पर भी चले जाएं, ये कहीं से भी रिलेशन बना लें, ये आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो प्योर लव आपने दिया है दूसरा तो ही ना देगा। प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं होता। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, ये गुस्से में बोला है इन्होंने कि मैं खुश हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, फिर दूसरे ही पल ये बोल रहे हैं कि शायद ये कुछ सोचकर इनके फेस पे स्माइल आती होगी आपकी कोई मेमोरीज को, ठीक है, बॉटम भी बताऊंगी अभी। तो ये थैंक यू बोल रहे हैं कि मेरे फेस पे स्माइल आई तुम्हारे वजह से। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, मैं आपको सपने में भी देती हूँ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, वैसी ही लॉन्ग बना दी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, ठीक है। मेरी शॉर्ट रीडिंग हो ही नहीं सकती, जब मैं लॉन्ग में आती हूँ ना, मेरे को ना डिटेलिंग अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत डिटेल पसंद है, तो मैं सामने वाले को भी डिटेलिंग में ही एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी, कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज के लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, क्लेम की आपकी मर्ज़ी है। लाइक से मैं इसलिए बोलती हूँ, एक तो आप अपने लाइफ में ये एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे, दूसरा जो मैं आपको फ्री एडवाइस दे रही हूँ ना, आप उसके बदले मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, इसलिए लाइक बोलती हूँ, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। मेरा भगवान मुझे अपने आप ही प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मैं जितना कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जितना भी कर रही हूँ, थोड़ा कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए बहुत है। अगर मेरा बस चले ना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस मैं अभी फोकस अपने काम पे बहुत ज़्यादा हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते, अभी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, इस वजह से मैं डिटेल रीडिंग पे नहीं आ पाती हूँ। ट्राई करूँगी हफ्ते में एक डिटेल रीडिंग दे दूँ, ठीक है। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जब से मैंने ये अपना अकाउंट स्टार्ट करा है 2018 से, यहाँ पर कमेंट्स में मुझे पता चल जाते हैं कि वो लोग कौन हैं जो मुझसे तब से जुड़े हैं। मैंने बीच में वीडियो कुछ महीनों के लिए डाली, तक नहीं पोस्ट नहीं करी, फिर भी वो लोग मुझसे आज कनेक्टेड हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि शायद मेरा नाम बताना उनको अच्छा ना लगे, ठीक है। अगर वो बोलते हैं तो मैं नाम ज़रूर लूँगी उनका ना। मैं दिल से शायद थैंक यू, मेरे लिए उनके लिए इतना कम होगा, मैं भर भर के उन्हें दुआएँ देती हूँ कि मैं उनको गाइडेंस नहीं दे पा रही हूँ, मैं YouTube से डेली कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, मगर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये सोच के ना मुझे बहुत खुशी मिलती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो साथ नहीं छोड़ते। मैं गाइडेंस नहीं देने आ पाई, मेरी बीच में तबीयत ख़राब हुई, मैं किसी वजह से मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई, मैं नहीं आ पाई, मगर उन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। और बहुत से लोग, मैं अगर रीडिंग नहीं डाल रही तो वो मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए भी मेरे लिए यही मैं उनको ब्लेसिंग्स दूंगी कि वो लोग परेशान हैं, उन्हें जहाँ से गाइडेंस मिलती है वो फॉलो कर लेते हैं वहाँ पर, कोई बात नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि उन लोगों को भी ना सही जगह से गाइडेंस मिले, किसी को भी फॉलो करें, कहीं से भी अपनी गाइडेंस लें, बस उनके भी दुख दूर हों, जो वो इंसान इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, यहाँ से आंसर मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, इसलिए तो मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने आपसे शेयर करा, ठीक है। एनीवेज, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुद पे फोकस ज़्यादा करिए बजाय इसके रिलेशनशिप के या ऐसी डिप्रेसिव एनर्जी से, थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, ठीक है। मेडिटेशन करें और बस हैप्पी रहें, ठीक है। खुद को पैम्पर हमेशा करें, डेली करें, मॉर्निंग में उठते के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।